नमस्कार दोस्तों, डीएच फैशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्थानीय स्वशासन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसके पूर्व में इसके पहली कड़ी यानी कि पंचायतों पर हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है और आज के इस टॉपिक में हम लोग नगर क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन यानी कि नगर पालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक शब्द है नगर पालिका, और जब हम नगर पालिका यानी कि नगरीय क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो एक त्रिस्तरीय ढांचा बनता है वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर के स्थानीय स्वशासन को नगर पालिका परिषद भी कहा जाता है और पूरे नगर क्षेत्र की जो प्रशासनिक व्यवस्था उसको नगर पालिका के नाम से हम लोग जानते हैं। तो नगर पालिका यानी कि स्थानीय नगरीय क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन को संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसे 1993 ईस्वी में लागू किया गया था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम इसके पूर्व में वो था पंचायतों से संबंधित और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये अधिनियम जो है 1992 है लेकिन इसे लागू किया गया है 1993 ईस्वी। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसे 1993 ईस्वी में लागू किया गया है, इसके माध्यम से संविधान में भाग वहां पर 9 था और यहां पर 9 का है, और अनुसूची अगर देखा जाए तो इसके माध्यम से अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है और इसमें 18 अनुच्छेद और 18 विषय, ये दोनों ही इसमें सेम है, 18 विषय और 18 अनुच्छेद। वहां क्या था, 18 से 2 नीचे यानी कि 16 ही अनुच्छेद था, लेकिन ये विषय अगर हम बात करें तो यहां पर ये 29 था। तो एक 18 की अगर डेडलाइन हम यहां पर बना एक लाइन अगर खींचे 18 की, तो ये दोनों ही विषय और अनुच्छेद नगर पालिका के संदर्भ में सेम है, लेकिन जब हम पंचायतों की बात करते हैं तो अनुच्छेद एक तरफ जहां पे वहां कम है वहीं पर दूसरी तरफ विषय ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा याद करने के लिए ध्यान देने की ऐसी जरूरत है कि 16 और 29 यहां पर 18 और 18 की जो बात कही गई है और इन अनुच्छेदों के माध्यम से इन विषयों को लागू करने का प्रयास किया गया है। और अनुच्छेद यहां पर 243 से आगे तो वहां पर बढ़े रहे थे, तो 243 जो है पी से लेकर के 243 ZG तक यहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। यह 18 अनुच्छेदों के माध्यम से नगरीय क्षेत्र में जो है प्रशासन की व्यवस्था के बारे में यहां पर प्रावधान किया गया है। तो इन 18 विषयों के माध्यम से नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, जिससे नगरीय क्षेत्र में विकास और प्रशासन की व्यवस्था को लागू किया जा सके। अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो 1687 ईस्वी में स्थानीय स्तर पर नगरीय क्षेत्र में स्वशासन की जो स्थापना सबसे पहले मद्रास में की गई थी, यहाँ पे मद्रास में ये व्यवस्था की गई थी, और 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन को लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थापित किया गया था। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी जो है 1882 ईस्वी के स्थानीय स्वशासन नियम को कहा भी जाता है। तो ये एक ऐतिहासिक व्यवस्था और क्रम था। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं को देखने का प्रयास करेंगे। नगर क्षेत्र में जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है उसे नगर पालिका के नाम से जाता है, और भारत में इस अधिनियम के माध्यम से त्रिस्तरीय नगर पालिका की व्यवस्था की गई है। पहले में है नगर पंचायत, नगर पंचायत में देखिए पंचायत शब्द भी लिखा हुआ है और नगर शब्द भी लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि एक ऐसी ग्रामीण व्यवस्था जो नगर की तरफ जो है बढ़ रही है, जिसमें नगरीय क्षेत्र के गुण आ रहे हैं लेकिन वो पूरी तरीके से नगर क्षेत्र में परिवर्तित नहीं हो पाई है, उसे नगर पंचायत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 5000 से लेकर के 20000 के बीच में इसकी
जनसंख्या सामान्यतया होती है। इसी तरीके से दूसरे स्तर पर जो है वो नगर पालिका, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद की व्यवस्था की गई है और नगर पालिका परिषद की जनसंख्या जो है वो 20 के से लेकर के 3 लाख, 20,000 से लेकर के जो है 3 लाख के बीच में इसकी जनसंख्या होती है। तो नगर पालिका जो है मध्यवर्ती स्तर पर, जैसे वहां पे क्षेत्र पंचायत होता था वैसे यहाँ पे नगर पालिका परिषद होती है, जो जनसंख्या के आधार पर जो है वर्गीकृत की गई है कि उस नगर क्षेत्र की जनसंख्या क्या है। और सामान्यतः जो है वो 20,000 से लेकर के और 3 लाख के बीच में होता है। और इसी प्रकार से नगर निगम, नगर निगम ये जो 3 लाख से इसकी जनसंख्या, 3 लाख से ऊपर इसकी जनसंख्या आगे तक होती है। तो ये रही जो है नगर पंचायतों की जो है, ये नगर पालिका परिषद जो शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है जिसे नगर पालिका के नाम से जाना जाता है, वो नगर पालिका जो है वो 3 प्रकार के जो है या 3 स्तरों में वर्गीकृत और विभाजित होती है, जिनका क्राइटेरिया और आधार क्रमशः इस प्रकार से होता है। अगला है हम लोग देखेंगे गठन, इन तीनों में ही जो है नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम में सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं। तो सदस्यों का जो चुनाव, सभी सदस्यों का चुनाव यहां पर वहां की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और इसी तरीके से वहां के अध्यक्षों का भी चुनाव भी जो है वहां की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जबकि हम जो जब नगर पंचायतों को देख रहे थे तो वहां पर मध्यवर्ती और शीर्ष यानी कि जिला पंचायत, जिसे कि जिला पंचायत अध्यक्ष और मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था, यानी कि सदस्यों के द्वारा उनको चुनाव किया जाता था और सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते थे। लेकिन यहाँ पर अध्यक्षों को भी जो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने की व्यवस्था की गई है। नगर पालिका परिषद का जो अध्यक्ष है उसे चेयरमैन के नाम से जाना जाता है और नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर के नाम से सामान्यतया जाना जाता है, जो कि हम लोग जैसे कानपुर है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, यहाँ पर महापौर होते हैं क्योंकि यहाँ पर नगर निगम की व्यवस्था है। और छोटे नगरीय क्षेत्रों में जिनकी जनसंख्या कम है वहां पर नगर पालिका परिषद होती है और वहां के अध्यक्ष को चेयरमैन के नाम से जाना जाता है। तो ये इनसे मिलकर के इस तरीके की व्यवस्था है। नगरीय क्षेत्र को जो नगर पालिका है, उस नगर पालिका क्षेत्र को, चाहे वो नगर निगम हो या नगर पालिका परिषद हो या जिला पंचायत हो, इन तीनों के लिए नगर पालिका शब्द प्रयोग किया गया है। लेकिन जो मध्यवर्ती स्तर पर जो है नगर पालिका होती है, नगर पालिका परिषद उसको कहा गया, जिससे अंतर किया जा सके। जब नगर पालिका बोला जाएगा तो उसमें सब आ जाएंगे और नगर पालिका परिषद बोला जाएगा तो उसका मतलब मध्यवर्ती स्तर पर स्थापित नगर पालिका की व्यवस्था। तो इसे वार्ड में विभाजित किया जाता है, एक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जिसे वार्ड कहा जाता है। और उन वार्डों के जो में चुनाव होता है उसे सभासद के नाम से जाना जाता है, सभासद वहां पे होते हैं। और जहां की जनसंख्या 3 लाख से ऊपर है वहां पे वार्ड समितियां होती हैं जो वार्डों के माध्यम से मिलकर के बनी होती हैं। और इन नगर पालिका क्षेत्रों में लोकसभा, विधानसभा के जो है सदस्यों को प्रतिनिधित्व भी दिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद को जो है प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर दिया जाता है। ये सवाल परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं, तो इसलिए जानकारी होना आवश्यक है कि इनको भी वहां पे दिया जा सकता है प्रतिनिधित्व, मतलब दिया जाता है प्रतिनिधित्व। तो ये जो है रही व्यवस्था उनके गठन के संदर्भ में, और उनका गठन इस तरीके से अध्यक्ष और सदस्यों से बनता है और पूरी नगर पालिका जो क्षेत्र होता है वार्डों में बटा होता है और जहां की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होती है वहां पे वार्ड समितियां भी बनाई जाती हैं। तो ये व्यवस्था, उनकी विशेषताएं और गठन के संदर्भ में रही हैं। अभी इसमें जो है आरक्षण की जो व्यवस्था है वो, इसमें भी जो है अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण दिया गया है, उनका आरक्षण उनके
जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। यहां पर भी महिलाओं को कम से कम 1/3 भाग के रूप में आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। इसी तरीके से आरक्षण के बाद अगर उनका कार्यकाल देखा जाए तो इनका कार्यकाल भी पंचायतों की तरह से 5 वर्ष के लिए ही किया गया है। 5 वर्ष अपनी बैठक से वो 5 वर्ष तक अपने कार्य करेंगे। यहाँ पर भी जो योग्यता बनाई गई है वो 25 के स्थान पर 21 वर्ष निर्धारित की गई है, जिस तरीके से पंचायतों में किया गया है, क्योंकि विधानसभा में 25 वर्ष होता है न्यूनतम आयु, और सेम जो है सभी प्रकार के जो योग्यताएं हैं वो उसी तरीके से निर्धारित की गई हैं। शक्तियों की अगर बात किया जाए तो राज्य के द्वारा इनको भी उसी तरीके से शक्तियां प्रदान की जाएंगी जैसे पंचायतों को दी गई हैं, और वो इस तरीके से दी जाएंगी जिससे ये स्वायत्त शासी संस्था के रूप में काम कर सकें और वहां पर स्थानीय स्तर पर आर्थिक योजनाएं बना सकें, सामाजिक न्याय के कार्यक्रम बना सकें और उसको संचालित कर सकें, क्षेत्र में विकास को स्थापित करने में इनको मदद मिल सके। करारोपण के संदर्भ में भी वैसी व्यवस्था है जैसे पंचायतों में है, और यहाँ पर भी आयोग की जो स्थापना है वो उसी तरीके से है जैसे वहां पर है। तो आयोग जो है वो दोनों के लिए जो है, आयोग जो है वित्त आयोग, जो राज्य वित्त आयोग बनाया जाएगा वो पंचायतों के लिए भी काम कर रहा है, और इसी तरीके से जो राज्य चुनाव आयोग है वो राज्य चुनाव आयोग जो बनाया जाएगा वो इनके भी चुनाव को करवाएगा। इसीलिए जो है चुनाव पंचायत और नगरीय चुनाव के नाम से जाना जाता है। राज्य जो है पंचायत नगरीय पंचायत एवं नगरीय चुनाव के नाम से जाना जाता है, और वर्तमान समय में जो कि 2021 में जो संपन्न हो रहा है उसे भी यही नाम दिया गया है कि पंचायत और नगरीय चुनाव 2021। तो यहाँ पे जो आयोग की व्यवस्था की गई है वो दोनों के लिए वही है, और दोनों ही आयोग के जो है गठन की जो जिम्मेदारी वो राज्यपाल को दिया गया है, उसके आयोग के जो है चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, हटाने की व्यवस्था से आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। तो ये थी व्यवस्थाएं, और लागू करने के संदर्भ में, निर्वाचन के संदर्भ में जो विवाद उत्पन्न होंगे इन सारी बातों के संदर्भ में वैसे ही सेम व्यवस्थाएं जैसे पंचायतों के संदर्भ में है। तो कुल मिलाकर के पंचायतों के साथ साथ हम लोगों ने आज के लेक्चर में जो है यहाँ पर स्थानीय सुशासन के अंतर्गत नगर पालिका को देखने का प्रयास किया, लेकिन आज के इस टॉपिक में दो और महत्वपूर्ण निकायों के बारे में हम लोग मैकेनिज्म को देखने का प्रयास करेंगे जो योजनाओं को संकलित करता है और उसको क्रियान्वित करने के लिए अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है, तो हम उसे थोड़ा सा यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। ये दो ऐसे निकाय की व्यवस्था की गई है जो बेसिकली योजनाओं के निर्माण करने के बाद उसका संकलन करती है और सरकार के समक्ष प्रस्तुत करती है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए दो प्रकार की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, एक है जिला नियोजन समिति, जिला नियोजन समिति, जिला नियोजन समिति जो है जिला के अंतर्गत जो है पंचायत और नगर पालिकाएं, पंचायत और नगर पालिकाओं के द्वारा बनाए गए जो योजनाएं होती हैं उसका संकलित करती हैं और उस संकलित प्रारूप को जो है सरकार के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। इनके गठन, इनके चुनाव, इनके कार्य इत्यादि के संदर्भ में राज्य विधानमंडल के द्वारा जो है कानून बनाया जाने का जो प्रावधान किया गया था, यद्यपि इसमें ये बात कही गई है कि इसके 4/5, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 4/5 सदस्य जो है, 4/5 सदस्य नगर पालिका और पंचायतों के द्वारा चुने गए सदस्यों में से आपस में ही जो है लिए जाएंगे, यानी कि जो भी जिला नियोजन समिति बनेगी उसमें जितने भी लोग होंगे उनकी संख्या का 4/5 भाग जो है वो पंचायत और नगर पालिकाओं से चुने गए सदस्यों में से ही जो है रहेंगे, और इनके द्वारा जो योजनाएं बनाई जाएंगी वो इनके नियोजन समिति के जो अध्यक्ष होंगे उनके द्वारा इसे सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, प्रेषित किया जाएगा, और इसके आधार पर सरकार जो है उनके संदर्भ में निर्णय लेगी कि इनका विकास किस तरीके से करना है और जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी उसमें इसको शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। तो जिला नियोजन समिति जो है वो विकास का खाका प्रारूप को बनाने और उसके संकलन करने से जो है संबंधित है। इसी तरीके से जिला नियोजन समिति के साथ साथ महानगर योजना समिति, नियोजन समिति या योजना समिति, महानगर नियोजन समिति, महानगर नियोजन समिति भी
नगर पालिकाएं जो भी वहां की जो नगर पालिकाएं होंगी उनके द्वारा बनाए गए योजनाओं का जो है संकलन करेगी और संकलन को जो है अपने अध्यक्ष के माध्यम से सरकार को प्रेषित करेगी। इसमें जहां पे 4/5 सदस्य था वहीं पर इसमें 2/3 सदस्यों की बात की गई है कि ये सदस्य उन क्षेत्र के जो है नगर पालिकाओं और पंचायतों के अध्यक्षों के द्वारा आपस में ही जो है इन्हीं में से जो है लिए जाएंगे। यानी कि जितने भी महानगर योजना समिति बनेगी उस महानगर योजना समिति के कम से कम 2/3 सदस्य वहाँ की जो है नगर पालिकाओं और वहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्षों से लिए जाएंगे और इनके द्वारा जो योजनाएं बनाई जाएंगी उसका संकलन किया जाएगा, वहाँ महानगर योजना समिति के द्वारा सरकार को भेजा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जिला नियोजन समिति और महानगर योजना समिति ये दो प्रकार के जो समितियों का भी जो है प्रारूप यहाँ पर बनाया गया है। तो इस तरीके से स्थानीय सुशासन के आज की इस कड़ी में हम लोगों ने नगर पालिका की जो है गठन, उसकी जो विशेषताएं, उसके अन्य सभी प्रकार के प्रावधान जो सामान्य पंचायतों की तरह से उसको देखा और इसके साथ साथ महानगर योजना समिति और जिला नियोजन समिति को भी जो इसमें शामिल करने का प्रयास किया। तो आज का ये टॉपिक बस इतना ही है और पंचायतों के संदर्भ में जैसा कि बताया गया है कि एक अप्लीकेबल टॉपिक भी निर्धारित किया गया जिसपे हम लोग जो डिटेल में चर्चा करेंगे। तो उस लेक्चर में जो है उनकी जो सफलता असफलताओं के कारण और उसमें सुझाव इत्यादि पर हम लोग देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अपनी तैयारी को आप अन्य विषयों के साथ जो है एक बेहतर दिशा में जो जारी रखिए। उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक के माध्यम से नगर क्षेत्र में जो स्थानीय सुशासन के बारे में एक समझ विकसित करने में ये लेक्चर आप लोगों को जो मदद प्रदान करेगा। तो एकदम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। पुनः अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।